पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत चन्नी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर एक विवादित बयान दिया। सीएम चन्नी ने यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया। यूपी बिहार के भैये यहां राज करना चाहते हैं, ये चन्नी ने कहा, उन्हें रोकना है। सब साथ आ जाओ पंजाबियों, ये चन्नी ने पुकार लगाई। इन बाहरियों को पंजाब में घुसने नहीं देना है, ये चरणजीत चन्नी के हैं। असल में पूरी खबर क्या है आपको हम शॉर्ट में समझाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत चन्नी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। जब वो बयान दे रहे थे, खास बात यह थी कि प्रियंका वाड्रा वहीं पर मौजूद थी, उनके बिल्कुल बगल में। उन्होंने कहा कि यूपी के भैया पंजाब में राज नहीं करेंगे, भैयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है। सीएम चन्नी के बयान पर प्रियंका वाड्रा उनके बगल में खड़ी रही, मुस्कुराती रही, हंसती रही। सीएम चन्नी के बयान पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी हमलावर है और कहा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो यूपी की जनता को भला बुरा कहते हैं। इस तरह की राजनीति अब हो रही है। अब सवाल क्या है? तो सवाल यह है कि पंजाब में सत्ता के लिए क्या यूपी का अपमान किया जाएगा, बिहार का अपमान किया जाएगा? प्रियंका वाड्रा का ये यूपी प्रेम जो उत्तर प्रदेश में वो दिखाती हैं, क्या ये सिर्फ दिखावा है या वाकई अगर उत्तर प्रदेश के होने का गौरव है तो फिर इस तरह की हंसी क्यों? क्या यह चन्नी के बयान का समर्थन था? पंजाब वर्सेस यूपी करना चाहती है क्या कांग्रेस पार्टी? क्या यूपी के भैया पंजाब में भारी पड़ रहे हैं, इसलिए यह कठिनाई है? भैया पर चोट से कैसे वोट मिलेगा, यह भी एक प्रश्न है। यूपी की जनता से क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? यूपी की अनदेखी क्या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगी? आपको यह भी बता दें कि यहां 30 साल से ज्यादा हो गए हैं और यूपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार अब तक बनी नहीं है, 30 साल से ज्यादा हो गए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराएं फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सृष्टि कश्यप हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। के विक्रम राव साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के जानकार हैं। शरद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सृष्टि कश्यप जी, सवाल आपसे है, देश में तो कम से कम अंदर विभाजन की नीतियां राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि आपकी मूल पैदाइश तो एक ही जगह की होगी, एक ही जगह की होगी। आप ऐसा हो नहीं सकता कि 5-6 जगह पैदा हो जाए, और आपको अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर काम करना है तो सारे राज्यों में चुनाव प्रचार भी करना है, वहां चुनाव जीतना भी है और वहां की बात भी करनी है। तो क्या सिर्फ एक चुनाव के लिए यूपी के भैये पंजाबियत ये सब कुछ आ जाएगा? मैं अपनी डिबेट की शुरुआत करूंगी जरूर, लेकिन तब करूंगी जब आप पहले चन्नी जी के बयान के वीडियो क्लिप को चलाएंगे। आपने लिख दिया, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। आप पहले वीडियो चलाइए कि आप बता दीजिए कि उन्होंने क्या कहा, मैं आपकी बात मान लूंगा। बताइए मोहन जी, नहीं राममोहन जी, आपने जब इतने सारे विजुअल्स दिखा दिए, राहुल गांधी तक को दिखा दिया, तो मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट का वो वीडियो क्लिप पहले आप चलाए, मुझे एग्जैक्ट फिर वर्ड बाय वर्ड पे डिस्कशन होगा कि उन्होंने एक्चुअली बोला क्या है। ठीक है, अपनी डिबेट की शुरुआत ठीक है कर लीजिए। चरणजीत चन्नी का बयान जरा सुना दीजिए, ने सृष्टि जी को बयान सुनाइए। साडी पंजाबण है, पंजाबियां दी बहू है, इस लई तगड़े हो गए, एक पासे हो जाओ पंजाबियो। ये जड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आ गए ते राज करन दा बड़ निगल जी। सृष्टि जी बताइए, आपने अपनी उसका पूरा डिबेट की शुरुआत की मजदूरों को लेकर, पलायन को लेकर। क्या पूरे वक्तव्य में चन्नी जी ने मजदूरों का नाम लिया कि वहां पे मजदूर अगर काम मांगने, रोजगार मांगने आएंगे तो हम उन्हें यहाँ पे काम नहीं देंगे, यहाँ पे किसानों की मंडियों में उनको बैन कर देंगे?
लाइक दैट नहीं बोला था, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ राज्य करने आते हैं, राज्य करने का केवल मजदूरी करने का अधिकार है पंजाब में, केवल पंजाब में मजदूरी करने का अधिकार है, तो आपका सम्मान है और राज करने आओगे तो भगाए जाओगे। आपने बोला पलायन से, आपने मजदूरी से तो आपने शुरुआत की। मैंने इसलिए शुरुआत की कि आप सम्मान करते हैं उनका, तब सराखों पे बिठाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग मजदूरी करते हैं, आपकी फसलें लहलाते हैं। और जब 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 वो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और यूपी पंजाब की सरहद बांटेंगे आप, देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो जी दो मिनट का वक्त दीजिए और सुन लीजिए। बताइए तो यूपी बिहार दिल्ली के भैये आके यहाँ राज कर रहे हैं, उन्हें भगाना है, उन्हें बाहर करना है, ये अच्छी राजनीति है, बता दीजिए। अरे भाई साहब अभी आपने वीडियो चलाए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला जो राज करने बाहर से आते हैं, दैट मीन राज करने कौन आते हैं, राजनेता आते हैं। मैंने तो बोला कि मैं उस बयान का समर्थन करती, उन्होंने ये भी बोलना था गुजराती ठग भी आते हैं, उनको भी बाहर करना था। आई डोंट नो व्हाई ही फॉरगॉट दैट, क्योंकि आज देखिए तो गुजरात में सबसे ज्यादा ठग बैठे हैं जो पूरे देश को बेच रहे हैं, सबसे बड़ा बैंकों का घोटाला गुजरात में हुआ है, दिल्ली की। यानी आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं कि यूपी के लोग पंजाब में जाके राजनीति नहीं कर सकते, वहां के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। I support the statement because it was meant for political parties. ये जो यहाँ पे चुनावी स्टंट करने आ जाते हैं यूपी बिहार गुजरात और दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टीज, पंजाबियों को क्या समझेंगे, जिनको वो किसानों को बोल देते हैं कि वो तो खालिस्तानी है, जिनको बोल देते हैं वो आंदोलनजीवी है, परिजीवी है, जिनकी शहादत को बोल देते हैं वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे। शरद शरद मेरे साथ हैं, बच्चे खड़े होकर शरद सिंह वहां पे पंजाबी हमारे जो भाई खड़े होते, सबसे ज्यादा सेना में हमारे पंजाबी भाई है जिनकी शहादत को नकार देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है।